Now, we are discussing about rectification of errors. Am I audible? Sairam. Okay, so we are discussing about rectification of errors. So yesterday we discussed rectification of both the types of errors. No? How to rectify one-sided errors and how to rectify double-sided errors. Now let us solve some problems of this rectification of errors. आपकी बुक निकालो आप लोग, हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे. ओके, नाउ डू यू हैव द बुक? सबका बुक है क्या? सबके पास बुक है क्या अपनी? Yes, sir. Okay. So now, open this question number 10. Miscellaneous transactions. Following errors affecting the accounts for the year 1819 were detected in the books of Das and Company Merit. Mila ke question dekho. Yes, sir. ठीक है. तो आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन. ओके, so this question number 10 says following errors affecting the accounts for the year 1819 were detected in the books of Das and Company Merit. ठीक है, तो इसमें पहला एरर है सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000 वाज ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स. ओके, दिस इज वन साइडेड और डबल साइडेड, व्हिच टाइप ऑफ एरर इज दिस? Sairam. मिल गया क्या आपको ये? Sairam. स्क्रीन बिजी भी ले गया, दिख रही है कि स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है? Sairam. दिख रही है. दिख रही है. ये क्वेश्चन मिला कि नहीं आपको? यस सर. ये लिखा है ये सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है ना, फॉर ₹5,000. ओके, ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स. दिस इज वन साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर? Sairam. One-sided error. Okay, anyone else? हाँ जी सर, डबल साइडेड है. डबल सर, डबल साइडेड है. व्हाई इट इज डबल साइडेड सर? इसमें फर्नीचर अकाउंट भी आ रहा है और सेल्स अकाउंट भी आ रहा है. हाँ, सो इसमें बेसिकली क्या, फर्नीचर सेल किया है ना, तो एंट्री रॉन्ग एंट्री कर दी हम लोगों ने. कल बताया था ना आपको रॉन्ग एंट्री क्या की? यस सर. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये वाली रॉन्ग एंट्री कर दी. इट इज ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बेसिकली करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट
दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो कैश अकाउंट में तो कोई गलती नहीं है, गलती किसमें, इन दोनों में। ये तो क्रेडिट होना चाहिए, इसको गलती से क्रेडिट किया तो उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, नहीं फर्नीचर अकाउंट, डबल साइड में सस्पेंस नहीं आता, सस्पेंस तो वन साइड में आता है। तो दोनों अकाउंट है हमारे पास, सेल्स अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड सो नाउ डेबिटेड, तो सेल्स अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। दिस इज द एंट्री वी हैव टू पास इन जनरल, ये एंट्री हमको जनरल में करनी पड़ेगी, जैसे हम जनरल बनाते हैं वैसे ही एंट्री हो जाएगी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग सेल ऑफ फर्नीचर being sales of furniture wrongly credited to sales account। ठीक है, चल रहा है आपको सही राउंड है? Yes sir। अगली एंट्री से बंद पड़वा सेवा में है क्या? Yes sir। नेक्स्ट एंट्री पढ़ो, वो कह गया थोड़ा से? नहीं सर नहीं है। लेकिन ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, सेकंड ट्रांजैक्शन है, लिखो रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस या रेजिडेंस, हेलो यस सर। अच्छा मैं इधर 11th क्लास ले रहा हूँ ना, इसमें 72 नंबर। हाँ, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस ₹6,000 बॉय डेबिटेड टू रेंट अकाउंट है ना, ये है रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस ₹6,000 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। बताओ क्या गलती की है, कौन सी साइड की एरर है, वन साइडेड डबल साइडेड, क्या गलती की है? सब वन साइडेड, सब वन साइडेड है सर, वन साइडेड है, वन साइडेड। ओके क्या गलती हुई है इसमें? प्रोपराइटर के रेजिडेंस का पर्सनल खर्चा रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो दो अकाउंट में गलती हुई। नहीं, प्रोपराइटर्स रेजिडेंस मीन्स ड्रॉइंग्स, पर्सनल एक्सपेंस, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, ड्रॉइंग्स अकाउंट, और डेबिट कौन सा अकाउंट कर दिया, रेंट अकाउंट। ठीक है, तो करेक्शन के लिए क्या करेंगे, जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसको डेबिट करो, कौन सा अकाउंट डेबिट करना था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, पर्सनल एक्सपेंस है तो ड्रॉइंग्स में डेबिट होगा। यस सर। तो ये होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट बीइंग जो ये आपका रेंट ऑफ बिजनेसमैन हाउस wrongly debited to rent account,
ना, रेंट ऑफ बिजनेसमैन हाउस रॉन्गली डेबिटेड टू रेंट अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, रेंट ऑफ बिजनेसमैन हाउस रॉन्गली डेबिटेड टू रेंट अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, क्लियर है? यस सर, सही राम। यस सर। अगला है, देखो आप लोग, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश ₹2,150 वॉज क्रेडिटेड टू ब्रिजेश, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश क्रेडिटेड टू ब्रिजेश, कौन सी एरर है, वन साइडेड की डबल साइडेड? सही राम। डबल साइड कौन कौन से अकाउंट में गलती की है? देखो राजेश एंड कैश राजेश रिसीव वाले में। फ्रॉम राजेश तो कैंटी करेंगे इसके लिए, अगर कैंटी करेंगे तो कैश रिसीव फ्रॉम राजेश तो एंटी क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट कैश टू टू राजेश। राजेश। और हमने एंटी क्या करी, क्रेडिटेड टू ब्रिजेश, यानी एंटी क्या की, कैश टू कैश ब्रिजेश। अकाउंट ब्रिजेश। ठीक है, तो कैश अकाउंट में तो गलती नहीं की कोई, कैश अकाउंट तो सही है ना, तो एंट्री किसमें की, राजेश और ब्रिजेश में, तो क्रेडिट करना चाहिए था राजेश को और हमने क्रेडिट कर दिया ब्रिजेश को, तो जिसको गलती से क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो, है ना, तो ब्रिजेश को तो क्रेडिट नहीं करना था, उसको तो गलती से क्रेडिट किया है, तो क्या करें, उसको डेबिट कर दो, ब्रिजेश डेबिट टू राजेश, ब्रिजेश डेबिट टू राजेश। फ्रॉम राजेश रॉन्गली क्रेडिटेड टू ब्रिजेश नाउ रेक्टिफाइड, है ना, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश रॉन्गली क्रेडिटेड टू ब्रिजेश नाउ रेक्टिफाइड, इज इट क्लियर? यस सर, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, ये है क्वेश्चन नंबर 12 पहला है, टोटल ऑफ सेल्स बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, टोटल ऑफ सेल्स बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, उससे पहले है, तो सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में नहीं लिखा, तो सेल्स अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट इन द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, है ना, बाय ऑमिशन ऑफ पोस्टिंग, ऑमिशन ऑफ पोस्टिंग रुपीज इतना जो भी है 1,000, नहीं कुछ भी अमाउंट नहीं दिया है, कुछ भी लिख देते हैं 5,000 लिख देते हैं जो भी अमाउंट है, ठीक है, तो ये जो है सेल्स अकाउंट में आ गया क्रेडिट साइड में। दूसरा है ₹1,000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेज ऑफ न्यू मशीनरी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, ₹1,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, बताओ वन साइडेड है कि डबल साइडेड है? वन सर वन साइडेड साइडेड है, क्यों वन साइडेड सर, क्योंकि इंस्टॉलेशन का उन्होंने इंस्टॉलेशन की ज, नहीं रिपेयर की जगह पे इंस्टॉलेशन को डेबिट कर दिया उन्होंने। है? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस डेबिट करना था और डेबिट किया रिपेयर्स को, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो होते हैं पार्ट ऑफ द कॉस्ट होते हैं, पता है ना आपको, मशीन की कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें तीन चीजें जोड़ते हैं, परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, और इसके लिए मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट नहीं किया, उसके रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया,
तो कौन सी एरर हुई? डबल साइडेड। तो जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसको डेबिट कर दो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। समझ में आएगा आपको ये 1000, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस, हाँ जी बोलिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए इसको। इंस्टॉलेशन चार्ज जो होता है आपने पढ़ा था ना, कॉस्ट ऑफ द असेट हमने पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ द असेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉस्ट ऑफ द असेट में आपका परचेज प्राइस ना, परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कोई मशीन 50,000 में खरीदी, 5,000 रुपए से इंस्टॉलेशन पर खर्च किए और 5,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पर दिए, तो क्या एंट्री करेंगे? एंट्री क्या होगी इसकी? पचास हजार मशीन खरीदी, 5,000 इंस्टॉलेशन पे दिए, 5,000 उसका उस पे दिया ट्रांसपोर्टेशन पे, तो एंट्री क्या करेंगे? कौन बताएगा? साइराम, हाँ जी, मशीन किसी को अकाउंट मालूम? डेबिट टू कैश अकाउंट सिक्सटी कितना थाउजेंड से। अमाउंट? गुड, मशीन दे अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीन है। तो यहाँ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस खर्च किए हमने, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए था उसके लिए? कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? ठीक है, हमने डेबिट कौन सा किया था? रिपेयर्स अकाउंट रिपेयर्स है ना, अकाउंट तो रिपेयर्स को गलती से डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर दो, और जो अकाउंट डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट कर दो। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, ये जनरल में एंट्री होगी इसकी, क्योंकि डबल साइडेड एरर है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, क्लियर है? साइराम, यस सर अगला देखो, लिसन केयरफुली। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4,000 टेकन बाई द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, डेबिटेड टू डेबिटर्स अकाउंट, है ना। कॉस्टिंग रुपीज 4,000 टेकन बाई प्रोपराइटर, डेबिटेड टू डेबिटर्स अकाउंट। ये 4,000 रुपए का सामान बिजनेसमैन ने अपने खुद के यूज के लिए लिया, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट वही पर्सनल अकाउंट, पर्सनल यूज में ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, है ना। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट नहीं किया, डेबिटर्स कोई पर्सनल है, डेबिटर एक्स वाई जेड जो भी होगा उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, क्या करना चाहिए? सर ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ये डेबिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जिसको गलती से डेबिट किया उसको क्रेडिट करेंगे, और डेबिट जिसको करनी चाहिए तो उसको डेबिट करेंगे। डेबिट होना चाहिए था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, है ना, टू डेबिटर्स अकाउंट, क्योंकि इसको तो गलती से डेबिट किया था। डेबिट तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को करना है। 4,000, 4,000 हो गया। सही राम, यस सर हेलो, सर है ना, ठीक है। अब अगला ट्रांजेक्शन है, रुपीज 1,000 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। बताओ, रुपीज 1,000 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। एंट्री होगी इसकी, क्या गलती की है पहले तो बताओ, वन साइडेड है कि डबल साइडेड? सर वन साइडेड है ना, क्या क्या गलती की इसमें?
सही रहा। एरर्स क्या क्या है? सर रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करना था, उसने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो वो कर दीजिए जो करना है हमको। क्या करेंगे एंट्री? करेक्शन एंट्री क्या होगी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट करना है, डेबिट कर दीजिए। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि उसको तो गलती से डेबिट किया था, तो क्रेडिट कर दीजिए। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, सही राम। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं डबल साइड का, फिर हम सस्पेंस अकाउंट वाले वन साइड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15। पहला ट्रांजेक्शन है, परचेज ऑफ ₹10,000 वॉज ऑमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। परचेज तो किया, उसकी एंट्री नहीं की कहीं भी। क्या है, वन साइडेड है कि डबल साइडेड है? सही राम, बोलिए। इज इट वन साइडेड और डबल साइडेड? वन साइडेड। पूरा कंप्लीट ऑमिशन है, कुछ भी नहीं लिखा, ना परचेज अकाउंट में लिखा ना कैश अकाउंट में लिखा। कंप्लीट ऑमिशन डबल साइडेड होगा ना, परचेज की एंट्री नहीं की कहीं भी, है ना? तो क्या एंट्री करेंगे परचेज की? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? ये ना, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 वॉज ऑमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। कुछ कुछ भी एंट्री नहीं की इसकी, कुछ भी एंट्री नहीं की तो एंट्री करेंगे इसकी। किसी पार्टी का नाम नहीं दिया तो मानेंगे कैश ट्रांजेक्शन है, किसी का नाम दिया तो मानते क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? सही राम, यस दूसरा ट्रांजेक्शन है, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ₹10,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। क्या गलती की? ऑफिस फर्नीचर परचेज किया, परचेज बुक में एंट्री कर दी उसकी। परचेज बुक में किसकी एंट्री करते हैं? बोलो। परचेज बुक में किसकी एंट्री करते हैं, गुड्स की क्या सेट्स की? गुड्स सही राम, गुड्स की। फर्नीचर गुड्स है क्या सेट है? एसेट है। असेट है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना? क्योंकि परचेज को तो गलती से डेबिट किया, परचेज तो वही नहीं गुड्स का ना, इसलिए एंट्री क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है क्या? नहीं हुआ, बोलो। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर डेबिट करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और परचेज में बुक को लिखा नहीं, परचेज बुक को डेबिट किया तो टू परचेज अकाउंट, उसको क्रेडिट कर देंगे। इसको गलती से डेबिट किया था, बीइंग फर्नीचर परचेज रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। हो गया? यस सर। उसके बाद यस सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ओल्ड मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹5,000। पहला पार्ट, एक पुरानी मशीन बेची ₹5,000 में, रिकॉर्डेड टू क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो सिंपल तरीका क्या, मशीन बेचेंगे तो गारंटी करेंगे, करके देखो मन में। मशीन बेचते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इन्होंने एंट्री क्या की? तो उसको कैश अकाउंट क्रेडिटेड टू डेबिट टू सेल्स सेल्स अकाउंट। अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था क्या?
क्या सेल्स अकाउंट आना चाहिए था कि वहां? तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो, क्योंकि गलती से क्रेडिट किया उसको, है ना? सेल्स अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री मिल गई आपको, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सेल ऑफ मशीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक, हेलो, आज आए के लिए बने हैं? अरे है ना, बड़ा बात होगी फिर से। हाँ ठीक, हाँ तो भेज दो, लेबर तो भेजनी है तुमको। हाँ जी, समझ में आ रही है आप लोग को ये डबल साइडेड एरर? यस कोई इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से दो अकाउंट है जिसमें गलती की है। ठीक है, अब उसमें गलती क्या होगी कि एक अकाउंट गलती से या तो डेबिट किया होगा या क्रेडिट किया होगा। जो जो अकाउंट गलती से डेबिट किया तो उसको क्रेडिट करेंगे, और जो एक्चुअल में डेबिट होना उसको डेबिट करेंगे। अगर कोई अकाउंट गलती से क्रेडिट किया तो उसको डेबिट करेंगे, और जो अकाउंट एक्चुअल में क्रेडिट करना चाहिए तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इससे आपका ये एंट्री मिल जाएगी आपको। तो जितनी भी डबल साइडेड एरर्स हैं उनका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? ऑल डबल साइडेड एरर्स विल बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, है ना? सबके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जनरल में एंट्री करनी पड़ेगी। आप चाहे तो रफ में वो तीन एंट्री लिख के देख सकते हैं कि गलत एंट्री क्या की, सही एंट्री क्या होना चाहिए, और करेक्ट एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। लेकिन जो मेन जनरल बनाएंगे उसमें हमारी केवल वही रेक्टिफिकेशन एंट्री है। ठीक है, सही राम। अच्छा यस अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 18 नंबर, रेक्टिफाई द फॉलोइंग, कुछ दिया नहीं है। रिटायर बैलेंस के बाद कहा कि पहले कहा है, सस्पेंस अकाउंट में नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे? बिफोर ट्रायल व्हाट डू वी बैलेंस। अज्यूम? ठीक है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, गुड। तो पहला एरर इसमें दिया है, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹500, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹500, क्या करेंगे? सही रहो, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹500, बताइए। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस क्यों आएगा जब बता दिया बिफोर प्रिपेयरिंग कैश बैलेंस है, वन साइडेड एरर है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना? तो इन द क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, ओवरकास्ट हुई ना परचेज, ओवरकास्ट में अपोजिट साइड जाते हैं, बताया था आपको, ये बताया था ना, ओवरकास्ट में अपोजिट साइड परचेज बुक डेबिट होती है, तो उसका अपोजिट क्रेडिट होगा। इन द क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट बाय ओवरकास्ट ₹500, ओवरकास्ट ऑफ परचेज बुक ₹500, या ओवरकास्ट ₹500, ये इतना लिखना है आपको। क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट बाय ओवरकास्ट ऑफ परचेज बुक ₹500, हो गया। दूसरा, यस सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉई मिस्टर अजय डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज ₹3,000, ये वन साइडेड है कि डबल साइडेड है? सैलरी पेड की एंट्री क्या होगी पहले देखो, सैलरी पेड की एंट्री क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री करनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
हमने उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दी, तो हमने एंटी कर दिया अजय डेबिट टू कैश अकाउंट। तो गलती क्या की, कैश अकाउंट तो ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, तो सैलरी को डेबिट कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट, और अजय को तो गलती से डेबिट किया है, तो टू अजय, बीइंग सैलरी पेड टू अजय रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, है ना। जिस एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं उसको थोड़ी डेबिट करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय, डबल साइडेड हो गई एंट्री करेंगे जनरल की। क्लियर है? यस सर। तीसरा है गुड सोल्ड टू शशि ऑन क्रेडिट फॉर ₹300। इतना ही बताओ पहले, गुड सोल्ड टू शशि ऑन क्रेडिट 300, क्या एंट्री करेंगे इसकी? शशि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, आगे क्या किया वो समझो, हैव बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज परचेज बुक, परचेज बुक में उसकी एंट्री कर दी, यानी क्या एंट्री कर दी, देखो एंट्री करनी चाहिए थी शशि डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो एंट्री करना चाहिए थी ना, हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू शशि, तो परचेज तो किया ही नहीं, ठीक है, सेल्स किया ना सही राम? यस सर। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा एक तो टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट किया तो ये भी क्रेडिट करेंगे तब रेक्टिफाई होगा, क्योंकि इसको तो डेबिट करना ही नहीं चाहिए था, और डेबिट क्या हो जाएगा शशि को डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो परचेज वाला अमाउंट जो हमने गलती से क्रेडिट किया उसको ये वाला वापस लेंगे, और ये जो सेल किया वो डेबिट करेंगे, तो शशि डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है इसका 300 है, 300 परचेज में 300 सेल्स में, और शशि में आ जाएगा 600, शशि डेबिट 600 टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज की एंट्री गलती से की थी वो तो हमने इसको कैंसिल किया, और टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना क्योंकि सेल्स हुआ है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी शशि डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सही राम? यस सर। कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अगला है टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक मींस सेल्स रिटर्न, गुड, हैव बीन एडेड ₹9 शॉर्ट, उसका टोटल ₹9 कम लगाया, कौन सी एरर है, वन साइडेड की डबल साइडेड? अंडर कास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, वन साइडेड है ना, क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट तो दिया नहीं है, सस्पेंस अकाउंट नहीं दिया तो स्टेटमेंट लिखेंगे, सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट। तो अंडर कास्ट में सेम साइड में लिखते हैं ना, अंडर कास्ट होता है सेम साइड में लिखते हैं, तो इन द डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट टू अंडर कास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ₹9, ये हम लिख देंगे स्टेटमेंट, डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट टू अंडर कास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ₹9, हो गया? यस सर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन का, परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर्स फॉर ₹35, ठीक है, चेयर परचेज की ₹35 की, एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹53, एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹53, तो देखो चेयर कितने की परचेज की, 35 की, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था,
फर्नीचर परचेज अकाउंट, चेयर तो फर्नीचर में आएगी ना, यस सर और हमने परचेज मान लिया उसको, तो परचेज अकाउंट डेबिट किया, कितने से डेबिट किया, 53 से, यानी कितना ज्यादा क्रेडिट कर दिया, 53 माइनस करो उससे 18 रुपीज ज्यादा हमने परचेज अकाउंट में डेबिट किया, तो क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, 35, ठीक है, और किससे परचेज किया है, हैप्पी ट्रेडर से, हैप्पी ट्रेडर डेबिट 18, नहीं सॉरी 35 18, टू परचेज अकाउंट 50, ये एंट्री करेंगे, क्योंकि ऐसा, क्योंकि परचेज की एंट्री 53 से की है, तो एंट्री करते हुए हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू हैप्पी 53 पे हुआ हैप्पी को, लेकिन हैप्पी से तो फर्नीचर खरीदा था केवल 35 रुपए का, तो हैप्पी को 1000 रुपये ज्यादा क्रेडिट किया था, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा वापस से, फर्नीचर तो डेबिट हो गई क्योंकि फर्नीचर खरीदा 35 रुपये, हैप्पी को 18 रुपये ज्यादा क्रेडिट किया तो उससे वापस ले लिया, तो 18 रुपीज में डेबिट हो गया हैप्पी ट्रेडर से, और परचेज अकाउंट तो डेबिट करने नहीं चाहिए, तो उसको डेबिट क्रेडिट कर दिया 53 रुपीज से, तो क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हैप्पी ट्रेडर डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्लियर है, सही राम, यस सर हाँ जी, अब अभी तो ये पीरियड खत्म होने वाला है, अगले पीरियड में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका वो सस्पेंस अकाउंट वाले क्वेश्चंस, वन साइडेड एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वेयर द डिफरेंस हैज बीन ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, तो इन सब में क्या हो जाएगा, जहां जहां वन साइडेड एरर्स हैं जिनमें स्टेटमेंट लिखा है उसमें स्टेटमेंट लिखने की बजाय उनमें भी एंट्री करेंगे, तो एक अकाउंट आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट और दूसरा अकाउंट वो आएगा जिसमें हमने गलती की है, ठीक है, आपको भी कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं इसमें, सही राम, कल आपकी ऑफलाइन क्लास है, कितने बच्चों ने कंसल्ट दिया आपकी क्लास से अभी तक, कल तो कम ही बच्चे आए थे, 5-6 बच्चे आए थे, 7 बच्चे, सही राम, ओके, सो दैट इज योर चॉइस, अगर आपको आना है तो पहले पेरेंट्स की कंसेंट लेके आना है या भेजना है, व्हाट्सएप पे दिया ना उसमें इंस्ट्रक्शन में, देन यू कैन कम टू द स्कूल, योर क्लासेस विल बी ऑल्टरनेटिवली ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, अभी के लिए, बाद में हो सकता पूरा ऑफलाइन ही हो जाए गवर्नमेंट परमिशन देगी तो, ओके, तो साई राम थैंक यू, नाउ यू कैन लीव, वी विल मीट आफ्टर सम टाइम इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, टेक केयर, साई राम, साई राम, साई राम सर, साई राम, 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 साई राम,